थ्री लिटिल कोट्स वंस देर वेर थ्री लिटिल कोट्स एक बार की बात है वहाँ रहते थे थ्री मीन्स तीन लिटिल मीन्स छोटे गोट्स सोनू मोनू एंड गोनू सोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टोर सोनू हाउस ऑफ स्टोर में रहता स्टोर मीन्स स्टो पुआल या घास फूस ऊपर में लगा हुआ उस घर में रहता था मोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक्स मोनू लकड़ी के जो घर होते हैं स्टिक्स स्टिक्स के घर में रहता था बांस के घर में रहता था एंड गोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ ब्रिक और ईट के घर में रहता था वन डे अ बिग बैग बैड उल्फ कैम एक बड़ी सी उल्फ आई कैम मींस आई टू सोनू सोनू एफ एस ऑफिस है सोनू के हाउस मीन्स घर में ही सैड उसने आया ही सेड आई विल हफ एंड पफ हाफ़ एंड पफ का मतलब होता है जब जोर ज़ोर से चलते हफनाते वो भी होता है या फिर किसी चीज़ को बुरे हालत में कर देना जैसे घर को वो बुरे हालत में कर देगा हाफ़ एंड पफ यानी बुरे हालत में कर देंगे एंड आई विल ब्लो और वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे घर को बुरे हालत में कर दूंगा एंड आई विल ब्लो ब्लो मीन्स हवा से फूकना होता है ना ब्लो मीन्स फूकना ब्लो योर हाउस तुम्हारे घर को फूक के उड़ा दूंगा डाउन डाउन मीन्स नीचे सो ही हफ्ट एंड पफ्ट उसने बुरे हालत में किया एंड ब्लू सोनू सोनू ए पोस्ट ऑफिस है सोनू के हाउस को डाउन मीन्स नीचे सोनू रेन टू द मोनूज हाउस सोनू दौड़ के मोनू के घर में गया द उल्फ कैम उल्फ़ आया टू द मोनूज़ हाउस मोनू के भी घर में आया ही सेड उसने वही बात कही आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन मैं हफ हाँ, तुम्हारे घर को पूरा बिगाड़ दूंगा और तोड़फोड़ कर दूंगा और तुम्हारे घर को उड़ा दूंगा कहाँ मतलब गिरा दूंगा नीचे सो ही हफ्ट एंड पॉफ इसलिए उसने हाफ डेंड पॉफ यानी बुरी तरह हालत में किया घर को एंड ब्लू उड़ा दिया मतलब गिरा दिया यहाँ पे हो रहा है ब्लू मीन्स फूक के उड़ाना होता है यहाँ पे ब्लू माने गिराना हो रहा है मोनूज हाउस डाउन उसे भी घर में घर को गिरा दिया सोनू एंड मोनू रेंट टू द गोनूज हाउस सोनू और मैनी दौड़ के कहाँ जाएँगे ईट के घर में गोनू के घर में गए वो उनका फ्रेंड है द उर्फ कैम टू द गोनूज हाउस उर्फ गोनू के हाउस में आया ही सैड उसने कहा आई विल हफ एंड पफ मैं तुम्हारे घर को भी हफ एंड पफ कर दूँगा इंस आपको पता है बुरी हालत में एंड आई विल ब्लो योर हाउस आपके घर को गिरा दूंगा डाउन नीचे सो ही हफ्ट एंड पफ बट ही कुडन वॉट ब्लो द ब्रिक्स हाउस ब्रिक हाउस को वो डाउन में नहीं नीचे नहीं गिरा गया पाया इट वॉज वेरी स्ट्रांग वह बहुत ही स्ट्रांग था द उल्फेंट अवे भाग्य एंड सोनू मोनू एंड गोनू लिफ्ट है टुगेदर टुगेदर मीन्स एक साथ एक साथ खुश एक साथ रहने लगे दो तीनों इन द रेड ब्रीक हाउस लाल ब्रीक हाउस में रहने लगे लेट्स स्टार्ट लिसन कि देखिए इसी प्रकार अगर हम किसी भी बात पे खुद स्ट्रांग रहेंगे तो हमें कोई भी नहीं डरा सकता तो हमें खुद स्ट्रांग रहना है और स्टोरी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम डर जाए तो हमें कोई भी डरा सकता है लेकिन अगर हमने अपने आप को स्ट्रांग रखा तो हमें कोई भी नहीं डरा सकता